तो जो गाइस मैं अभी अभी अपनी कार में आके बैठा हूँ और अभी अभी मैंने जो एक प्रॉब्लम जो है देखी अपनी गाड़ी में कि ये स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखो चाबी वगैरह सब, मतलब चाबी कीलेस एंट्री है इसमें और ये देखो, तो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ और ये स्टार्ट नहीं हो रही है। देखो क्लच दबाया एंड मैंने पोजे स्टार्ट बटन दबाया और ये कुछ इस टाइप से लिखा आ रहा है। देख स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, देख चेक ESC कुछ करके लिखा आ रहा है। ये चेक ESC क्या है ये देखते हैं। अगर मैंने ये चाबी यहाँ रख दी, ये क्या लिखा आ रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, क्या हो गया? बैटरी डाउन हो गई मेरे ख्याल से। मैं कुछ और कह रहा हूँ, नहीं हो रही स्टार्ट, शायद बैटरी वैटरी कुछ डाउन हो गई। ये चेक ESC क्या होता है देखिए एक बार खोल के, चेक ESC क्या होता है। तो गाइस अभी अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है, पता नहीं क्या दिक्कत आई है। ये जब भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो चेक ESC कुछ करके बता रहा है लेकिन मुझे नहीं पता क्या होता है। देखो मैं आपके सामने भी दिखा देता हूँ अभी, ये देखो चेक ESC क्या होता है भाई, किसी को पता है तो प्लीज मुझे बताइए। और अभी मैं हुंडई का अपना ब्लू लिंक की सर्विस होती है RSA सर्विस जिसे बोलते हैं, वो भी ट्राई कर रहा हूँ बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी यार। अच्छा है, तो अभी मैं घर पे बैठा हुआ था, घर पे हूँ तो ये प्रॉब्लम आई। अगर कहीं रास्ते वास्ते में होता तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती, तब क्या करता मैं? अभी देखो मैं तो थोड़ा घबरा रहा हूँ अभी, किस टाइप की दिक्कत आ गई यार। अभी तो गाड़ी को 1.5-2 साल ही हुए हैं और इस टाइप की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहीं रास्ते में ऐसी जगह हूँ मैं अगर सुनसान वगैरह जगह से, तब क्या करूँगा समझ में नहीं आ रहा मुझे। और ये ESC क्या होता है रियल में मुझे नहीं पता है। और ये 242 किलोमीटर की एवरेज दिखा रहा है इस टाइम, जो कि मेरी एवरेज रात जब मैंने गाड़ी पार्क की थी तो उस टाइम 189 की थी। तो फ्यूल भी मतलब अपना भी बढ़ गया क्या इसमें, कुछ जादू हो गया। देखो अभी ब्लू लिंक ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। कनेक्टिंग टू हुंडई दिखा रहा है बट शायद कोई उठा नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा है। SOS कोई किसी काम का नहीं है यार, सारी सर्विस करके देख लिया मैंने। कनेक्टूंगा इमरजेंसी सर्विस बट कोई पिक नहीं कर रहा है। कोई नहीं उठा रहा है, किसी भी काम के नहीं है भाई। प्ले पिक द फोन भाई, कोई तो फोन उठाओ, कैसे स्टार्ट करूं गाड़ी को, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है भाई। किसी को पता है तो बता दो प्लीज। ब्लू लिंक भी किसी भी काम का नहीं है यार। ये क्या दिक्कत आ गई आज गाड़ी में सुबह सुबह, बढ़िया बढ़िया दिक्कत आ गई इसका मतलब। अच्छा वो घर पे ही पता चल गई। अभी देखो हुंडई के कस्टमर केयर पे कॉल करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई ये इस तरह से फेल पे फेल दिखा रहा है। और अभी तो मैं घर पे ही हूँ तो ऐसी दिक्कत आ गई कि बाहर होता तो यार क्या किया जाए। ये ESC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। गाड़ी को आगे पीछे दिक्कत है ना, देखिए एवरेज भी 242 दिखा रहा है जबकि मेरे 242 नहीं 189 थी रात। आप इनके टेक्नीशियन टीम से हो? बोनट खोलू क्या? स्टार्ट नहीं हो रही ये कुछ है, सेल्फ मारू तो भाई। अब तो भैया आ गया है, ये RSA सर्विस मंगाई हूँ ना। ये खड़ी खड़ी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ गई? लेकिन कल से खड़ी है, कब से खड़ी है? रात ला के खड़ी करी मैंने और सुबह स्टार्ट करके जा रहा था। कितनी पुरानी बैटरी है? ये 2 साल हुए हैं गाड़ी को अभी बस। तो गाइस भैया अभी अपनी बाइक पे जो बैटरी लगा रखी है उसे जंप स्टार्ट करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर स्टार्ट होती है अगर बैटरी प्रॉब्लम है तो। अरे करिए
है? करो स्टार्ट। ये तो बैटरी की प्रॉब्लम दी है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। और लेकिन ये बैटरी कैसे डिस्चार्ज होगी इतनी जल्दी? ये अब तो हो गई स्टार्ट है, आधा घंटा चला देना। नहीं लेकिन मेरे को बात तो बताओ, रात ला के मैंने खड़ी करी है, चला के तो लेकर आया था मैं, और चला के लेके आऊँ तब खड़ी करी है, सुबह तो नहीं स्टार्ट हुई। दर्जिंदर की तरफ बैठे हैं, कमजोर है तो वही तो पूछ रहा हूँ, वारंटी में होगी तो अभी एक साल की देते हैं ना मुझे। एक साल की? एक साल की तो कोई वारंटी नहीं होती बैटरी की, तीन साल की होती। पता कर लेना। किस पे पता करूँ? सर्विस सेंटर पे, कस्टमर केयर पे। सेंटर ये तो कस्टमर केयर वाले भी बता देंगे। तीन साल की होती है ना वारंटी तो। अच्छा ये जो आवाज़ आती है किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? ये आवाज़ जो आ रही है और अगर ऐसे कहीं रास्ते में बंद हो जाते तो धक्का देकर स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं होगी नहीं, जैसे बाकी गाड़ियों में होता है कि धक्का वगैरह दे दिया है। तो ये तो बड़ा बेकार है सिस्टम ये। अगर एक बात बताओ, कहीं पहाड़ वाड़े में हो बंदा, कहीं जंगल की साइड हो तो रास्ता मिल जाएगा आपको? हार जाएगा, आर एस तो मिल जाएगा, लेकिन रात को 3 बजे रिस्क तो है ही। लेकिन ये भी ज़्यादा दिक्कत अब पता चली है ना। एक बात बताओ, पहली बार में स्टार्ट नहीं हो रही, कम से कम कुछ वो तो दे सिग्नल तो दे कि भाई बैटरी डाउन हो रही है मेरी, कुछ सिग्नल दे, कुछ इग्निशन। और इसका पानी वानी चेक कर लोगे एक बार? क्या करो? पानी कम से कम गाड़ी को एक सिग्नल तो देना चाहिए, इतनी सारी दुनिया भर की लाइटें दे दी इन्होंने, एक सिग्नल ऐसा नहीं दे सकते कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। कहाँ पे टोटल चला कितने किलोमीटर गाड़ी? 26,000। सिग्नल तो होता नहीं कि हाँ भाई एक दो बार स्टार्ट नहीं होगी कब स्टार्ट हो जाए। ये तो एक बार ऑटोमेटिक है क्या? नहीं मैनुअल है, कुछ बटन होगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक दो बारी में नहीं हुई तो आदमी समझ जाता है हाँ चल बैटरी डाउन होने वाली है, बैटरी चेंज करा दो। आने का ठीक है, माना कर बंद करके मारो, दोबारा मारो। और अभी तो सर्दी भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ अभी तो सर्दी भी नहीं है, सर्दी सर्दी में बैटरी जल्दी बोलती है। गाड़ी हो गई स्टार्ट और अभी भैया ने बोला है कि क्या कहते कम से कम आधे घंटे तक इसे स्टार्ट करने देना ऐसी, क्योंकि बैटरी जो है इसकी डिस्चार्ज हो गई थी। तो मुझे तो पता नहीं था यार, पहली बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मुझे पता नहीं था कि बैटरी इस तरह से डिस्चार्ज होती है। इससे पहले भी एक्चुअली 500 में कभी नहीं ऐसे कुछ दिखाया था ही ना डिज़ायर में कभी ऐसी शिकायत आई। पहली बार देखा है तो थोड़ा सा घबराहट भी हो जाती है एकदम से अचानक से क्या हो गया। तो फिलहाल देखो अभी स्टार्ट करके छोड़ दिए और अभी आधे घंटे तक स्टार्ट रखने के लिए बोला है कि बैटरी क्योंकि डिस्चार्ज हो गई थी तो थोड़ी सी चार्ज हो जाएगी। तो देखो होपफुली चलो हो तो गया है, लेकिन एक बार फिर भी मैं सर्विस सेंटर जाके दिखाऊंगा इसे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है थैंक यू। तो गाय भैया ने बता दिया कि अगर ज़रूरत हुई तो चेंज हो जाएगी, तो अभी देखेंगे अभी लेके जाएंगे। तो जी गाइस स्टार्ट हो चुकी है अपनी गाड़ी और मैं जिसको भी ये वीडियो वगैरह इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वो अपने दोस्तों के साथ अच्छे से शेयर जरूर कीजिएगा। और कभी भी किसी की गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप RSA सर्विस यूज़ कर सकते हैं हुंडई की। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे ख्याल से 15 मिनट इन्होंने टोटल लिए हैं, 15 मिनट में आकर के उन्होंने जंप स्टार्ट कर दी मेरी गाड़ी और अभी स्टार्ट कर रखी है। तो ये सर्विस अच्छी लगी कि भाई 15 मिनट में आ गए, लेकिन यार ये सर्विस भी बेकार लगी कि 2 साल में मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब किस वजह से हुई है किस वजह से नहीं हुई ये तो रीज़न मेरे को भी नहीं पता है, बट यार है तो रिस्की एक तरह से देखा जाए। अगर आप कहीं रास्ते वास्ते में हो
और इस तरह से कोई दिक्कत आ जाए तो यार तब उस टाइम क्या करोगे, थोड़ा तो घबरा तो जाओगे फैमिली के साथ हो तो, खास तौर पे जब अभी तो चलो मैं घर पे था इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं घबराया, थोड़ा घबराहट तो ही कि नई गाड़ी है यार और एकदम से नई गाड़ी में ये प्रॉब्लम पहली बार देखी है मैंने भी। और अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी 10 मिनट हुए गाड़ी को स्टार्ट हुई और ये देखो किलोमीटर की रेंज जो है अपना कम होनी स्टार्ट हो चुकी है, 242 से 217 आ चुकी है, तो वापस वहीं आ जाएगी। पता नहीं यार क्या हुआ था, रेंज भी बढ़ गई अपना भी। तो जो भी है, चलो जिसको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए जी, जय हिंद।